वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। हमारे मोदी जी को 10 साल में कितनी ताकत लगानी पड़ी, आज चाइना हम लोगों से आगे निकल गया, सेम टाइम पे उसको भी फ्रीडम था, लेकिन आज वो आगे निकल गया क्योंकि हमारे सारे जो पुराने कांग्रेस के नेता मंत्रीगण सब आपसी में बंदरबांट होता रहा। 4,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की है और कह रहे हैं पूरा विश्वास है गठबंधन की सरकार बनेगी, और अखिलेश कह रहे हैं कि 4 तारीख को एक फिल्म रिलीज होगी जिसका नाम होगा एक थी भाजपा। देखा हो 5 तारीख के लोग सपेरे का जहाज बा जो अंदर की खबर है, एक जहाज जा रहा है इटली, एक जहाज जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, या हम आपको बता रहे हैं। अब देख ला हमारे बात, ये 14 में भी यही बोले थे, ये 17 में भी यही बोले थे, ये 19 में भी यही बोले थे, ये 22 में भी यही बोले थे, सेम वर्ड। इनके पास कोई नया वर्ड नहीं है क्योंकि विकास को टक्कर कैसे देंगे, सत्य को कैसे असत्य हराएगा, सत्य दिख रहा है, जनता खुश है। इंसेफ्लाइटिस से 1,000 बच्चे इसी गोरखपुर में हर साल काल के गाल में समा जाते थे, बचा लिया महाराज जी ने आंदोलन कर करके। एम्स आज हमारे पास फर्टिलाइजर है, चीनी कारखाने है, आज अनगिनत एयरपोर्ट जहाज चल रहा है, आज यहाँ पर सब लोग बम बम लोगों बच्चों ने पलायन करना छोड़ दिया गोरखपुर से, पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश से। अब बतावा एक जवाब पा नहीं है तो बस हम लोग आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, ये 14 से सुनत है। अरे बाबू बताओ विकास को नकारो, 20 लाख लोगों को रोजगार इनडायरेक्टली डायरेक्टली मिल रहा है, अयोध्या बनने से, एक मंदिर बनने से, एक सोच कहल जाला कि बनाया वहां रेडी पटरी होटल व्यवसाय गाड़ी घोड़ा सब लोग के, इतना है कि हम लोग का होटल भी गोरखपुर में पैक होने लगा अयोध्या जाने के लिए, हवाई जहाज पैक होने, ये सोच है। एक सरदार वल्लभ पटेल का लगा दिया उन्होंने केवड़िया में, वहां गुजरात में आदिवासी इलाके में, आज वहां 5 स्टार की लाइफ होगी, हम वहां शूटिंग करते थे, ये हमारे बिल्कुल मोदी जी के। आज गोवा से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं बाबा विश्वनाथ पे, आज माँ विंध्याचल पर, आज महाकाल पर। इस सोच बा कि सनातन भी बरकरार रहेगा, विकास भी होगा, रोजगार भी मिलेगा, 100 करोड़ सनातनी जगा है। पहली बार तो 2014 में आजाद हुए हो, 2024 में जीतने के बाद सांसद जी क्या नया करेंगे? देखा हो जैसे मोदी जी हमारे कहते हैं कि तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, गोरखपुर में ये देख रहे हो, ये पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से उनके दृष्टि से ही ट्रेलर बा गोरखपुर, अभी बहुत बड़ी उड़ान भरी, ये आज हमारे ऑन रिकॉर्ड कहला गोरखपुर में जो आप देख रहे हो ये 50% विकास है और होगा। महाराज जी की सोच यंग है, महाराज जी जवान है, महाराज जी जानते हैं कि कैसे रोजगार, आज गीडा इंडस्ट्रियल एरिया ने कितनों बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश करी है, यह सजनवा में जहां पे अखिलेश यादव जी कब्रस्तान बनाना चाहते, आज वहां पर रोजगार, आज मिल्स के धुएं छूट रहे हैं, आज वहां बच्चा सब कमाने खाने लगे हैं, बच्चे आज हमारे बच्चे गोरखपुर के सबसे ज्यादा 98-99% एजुकेशन में आगे आ गए हैं। हेल्थ देखिए, आज हमारे पास सैनिक विद्यालय, आयुष विद्यालय 300 करोड़ में बन रहा, वेटनरी कॉलेज बना। हाँ पूछा सांसद जी, इसके बाद भी 25 तारीख को गठबंधन के अखिलेशों और प्रियंका के साथ मायावती भी आपके खिलाफ रैली करने के लिए आ रहे हैं, एक ताकत देने आ रहे हैं अपने। हर हर महादेव जगन्नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे हुई, और जब भोला चाहिए दिल रात के, जो बाबा विश्वनाथ की धरती पे स्वागत है, बाबा विश्वनाथ का नगाड़ा बजेगा, इन लोग डमरू बजाने का प्रयास करेंगे और वैसे धम धम नगाड़ा बजी और 4 जून के सुनाई नहीं सकते। जय हो सांसद जी, जय हो बाबू। सांसद जी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 4 तारीख को सांसद जी बंगाल में हिंसा हुआ, भाजपा की कार्यकर्ती मर गई है कल कल, उसको लेकर के पानी पिलाएं। बंगाल में हिंसा में भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? यही देखिए, हिंसा ही इनके राज्य की सरकार ममता बनर्जी की सोच बताती है कि कुछ नहीं तो जान से मार। उनकी सरकार को सोचना चाहिए कि अनगिनत हमारे भाजपा कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, ये सबसे दुखद है, और शहीद हुए हैं वो राष्ट्र प्रेम में से बाहर। भाजपा का कार्यकर्ता आज बात बता दें, 19 करोड़ कार्यकर्ता 1 रुपए की कमाई के लिए नहीं जीता, ये एक ही संगठन है,
जो अब देश के लिए जी रहा है, जो सनातनी विचारधारा को बचाने के लिए देश के विकास कर। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।